हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल फिल्मी सेंट्रल में। फ्रेंड्स, प्रभास के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मेरा मतलब उनकी अगली फिल्म पक्की हो चुकी है। राजा साहब, स्पिरिट और सलार 2 के बाद एक और फिल्म प्रभास के लाइनअप में आ चुकी है। इस फिल्म का टाइटल है फौजी। आपको बता दें कि इस फिल्म को अनुराग अवपुड़ी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले सीतारामम जैसी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म का टाइटल अभी के लिए फौजी रखा गया है, आगे चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक पीरियडिक ड्रामा फिल्म होगी और इसकी स्टोरी 1930 से 1940 के बीच होने वाली है और ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है रजाकर मूवमेंट के ऊपर। आपको बता दें कि इस मूवमेंट में रजाकर से एक पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स और होमगार्ड थे। इस फिल्म में प्रभास एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाएंगे और ये रजाकर फोर्स के लिए काम करेंगे। फिल्म के प्लॉट में प्रभास एक गांव की लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। बेसिकली ये फिल्म पूरी एक्शन स्टोरी और लव स्टोरी से भरी होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ईमान इस्माइल को एज अ लीड एक्ट्रेस फाइनल किया गया है। इस फिल्म में बड़े बड़े हिस्टोरियंस जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और हिटलर के किरदार को भी दर्शाया जाएगा। इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी रिवील नहीं की गई है, पर बहुत ही जल्द इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया जाएगा और शूट भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रभास की नेक्स्ट फिल्म फौजी के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भी ऐसी फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।